प्रदेश में आज जय किसान ऋण माफी योजना के तहत कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में हुए कार्यक्रम में भी प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ मौजूद रहे। तो वहीं मंदसौर और बड़वानी में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए रिपोर्ट। दरअसल छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोहखेड़ में आज जय किसान ऋण माफी योजना कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे और नकुल नाथ पहुंचे। किसान ऋण माफी योजना कार्यक्रम के उपरांत मोहखेड़ तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे और नकुल नाथ ने संबोधित किया। इस दौरान सोनसर विधानसभा के विधायक और पांडुरना विधानसभा के विधायक नीलेश उइके और छिंदवाड़ा जिले के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने मंच से पूर्व शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जुमले की सरकार है और हम काम करने वाली सरकार है। शिवराज सिंह ने जो कर्ज माफी को लेकर वादा किया था वो तो नहीं कर पाए, वो हमने कर दिखाया। वहीं नकुलनाथ ने मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि जो प्यार आपने 40 साल से कमलनाथ जी को दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं और मेरी लगातार कमलनाथ जी से बात हो रही है और हम जल्द ही भावंतर योजना में प्लान करने की सोच रहे हैं। वहीं मंदसौर में भी जिले की 3 तहसीलों की मंडियों में कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया। किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए। इस दौरान प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा मौजूद रहे। कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से सारे विधायकों से बात की, जिनने इच्छा जाहिर की थी उनके नाम लिखे गए, जिनने अनिच्छा जाहिर किसी का नाम नहीं। तो वहीं बड़वानी में कमलनाथ सरकार द्वारा किसान कर्ज माफी को लेकर आभार हेतु किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जुलवानिया पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दिनेश गुर्जर ने कांग्रेस कार्यालय पर जाकर कार्यकर्ताओं सहित किसानों को संबोधित किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहा था, मध्य प्रदेश में तुलाई समय पे नहीं हो रही, फसल के दाम नहीं मिल रहे थे, बिजली चौकने दाम में दी जा रही थी, बिजली चोरी के केसों में किसानों को जेल भेजा जा रहा था, सरेआम मंदसौर में गोलियों से मारा गया, ऐसी सरकार को मध्य प्रदेश के किसान भाइयों ने, आम मतदाता बंधुओं ने जो टाया है और एक किसान गरीब मजदूर नौजवान की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनाई है, एक अनुभवी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को बनाया, जिन्होंने आधे घंटे के अंदर 53 लाख से अधिक किसान भाइयों के 2 लाख के कर्जे माफ़ कर दिए, 51,000 बेटी की शादी में, 36,000 जननी योजना में, गौशाला 3 महीने में खोलने के आदेश कर दिए, 1,000 रुपया प्रति माह किसान भाई को पेंशन देने के आदेश जारी कर दिए, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए, विधवा पेंशन और ये 600 रुपये कर दी। इन सब जनहित योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश के हम अपने परिवार के लोगों पे, जिन लोगों ने ये सरकार बनाई है, उन सबके हाथ जोड़ के पैर छू के धन्यवाद देने आए हैं। कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस किसान कर्ज माफी की योजना के प्रचार में जुट गई है। बता दें कि कांग्रेस की सत्ता वापसी में सबसे अहम योगदान किसान कर्ज माफी का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।